जहरीली शराब से मौत मामले में सारण पुलिस ने शराब विक्रेता को सिवान जिला के भगवानपुर हाट थाना अंतर्गत बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब विक्रेता भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव निवासी प्रेमचंद्र प्रसाद का 34 वर्षीय पुत्र रजनीकांत कुमार बताया गया है। बताया जा रहा है कि उसके द्वारा शराब बेचने की बात को स्वीकार भी किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ के लिए सिवान एसटीएफ टीम भी छपरा सदर अस्पताल पहुंची है। वहीं अग्रेतर कार्रवाई में सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने मसरक थाना के दरोगा एवं चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं थानेदार समेत 3 पर शो कॉज नोटिस किया गया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा से रंजीता गुप्ता। क्या नाम है? रजनीकांत। घर कहाँ है? थाना जिला शराब बेचते हैं? शराब बेचने के जुर्म में? तो कहाँ से शराब लेके बेचते हैं? कितना दिन से शराब बेचते हैं? 20 दिन से। और कहाँ से शराब लाते हैं? अजीत सिंह, गोपाल महुआरी का अजीत सिंह था। सिवान जिला के? दूसरा जिला? ये भी तो सिवान में है। तो ये शराब पीने से कई लोगों को मौत होगा, वही शराब है? पता नहीं सर। तो ये शराब कितने दिन से? 20 दिन से लाके बेचते थे ना? हाँ, 20 दिन से लोग बेच रहे हैं।